हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोना टोक अबाउट द बकल पंपिंग एंड रैम वेंटिलेशन बेसिकली ये दो मकैनिज़म्स या फिर दो वेस हैं जिनके थ्रू वाटर फिश की बॉडी या उसके माउथ के अंदर एंटर करता है सो देयर आर टू वेज फ्रॉम विच वाटर एंटर इनटू द फिश बॉडी इनटू द फिश माउथ फर्स्ट वन इज़ द बकल पंपिंग एंड द सेकंड वन इज द रैम वेंटिलेशन सो लेट्स डिस्कस अबाउट द बकल पंपिंग बकल एज़ मकानिज्म मस्कुलर पंपिंग मकानिज्म मस्कुलर पंपिंग मकानिज्म इसको क्यों कहते हैं मूवमेंट ऑफ़ दसल्स इट इन्ट्रैक्शन एंड द रिलेशन ऑफ द मसल्स ठीक है और मसल्स की इसी कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्शन की बेस पे बकल चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है और इस बकल चैम्बर की कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन की वजह से वाटर फिश के माउथ में एंटर होता है और फिर गिल ओपनिंग्स जो कि ओपरक्यूलम गिल की कवरिंग है उसके थ्रू बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाते हैं बकल पंपिंग जो है ये एक एक्टिव वेंटिलेशन है एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है एनर्जी कंज्यूम करता है क्योंकि इट इन्वॉल्व मसल्स और उनकी कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन पर एक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है तो इस मैकेजम में क्या होता है स्टूडेंट्स वाटर माउथ के अंदर एंटर होता है फेरेंस तक जाता है माउथ से और फेरेंगस के बाद जो है वो ओवर द गिल्स मूव करता है ठीक है और गिल्स में से गैशियस एक्सचेंज जो है वो होकर उस वाटर में से जो है वो ब्लड गैशियस एक्सचेंज सारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होकर फिर वो जो वाटर है वो गिल ओपनिंग्स के थ्रू बॉडी के आउटसाइड जो है वो मूव कर जाता है अब ये जो कॉन्टिन्यूस वाटर का फ्लो है इसकी ये जो जनरेशन है ये कि किस वजह से हो रही है एज़ आई हैव टोल्ड यू इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिदमिक एक्सपेंशन एंड द कम्प्रेशन ऑफ द मसल्स दैट इन्वॉल्व इन द फरेंजियल कैिटी ठीक है तो इनकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं अब स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये मसल्स की लोकेशन क्या है कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे फेरेंगस और ओपरकुलर कैविटी को जो मसल्स सराउंड कर रहे होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बक्ल पम्पिंग में अब स्टूडेंट्स इस इसको हम इस डाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं ये फिश का माउथ है और ये इस फर्स्ट वाई डायग्राम में दिखाया गया कि ये माउथ ओपन है और वाटर जो है वो इन साइड ऑफ द बॉडी मूव कर रहा है अब माउथ के बाद जो है वो ये बकल चैम्बर है बकल यानी कि माउथ का चैम्बर है ठीक है चीक्स वाला बकल रिलेटेड टू द माउथ ये खाली जगह है अब इसके बाद जो है वो फेयरिंग्स का रीजन यहाँ पर आएगा अब ये जो ये जो आपको गिल आर चीज नज़र आ रही है स्टूडेंट्स ये गिल्स का स्ट्रक्चर है ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला ये सारे गिल्स हैं ठीक है ये दोनों साइड्स पे अब अब ये जो है बाहर ये गिल की कवरिंग है जिसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं और ओपरकुलम और गिल्स के दरमियान ये जो खाली स्पेस है ना स्टूडेंट ये वाली इसको कहते हैं ओपरकुलर कैविटी अब ओपरकुलर कैविटी इधर भी मसल्स इस एरिया में भी मसल जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं ये जो ये जो मैं लाइन्स ड्रा कर रही हूँ ठीक है और ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है यहाँ पर भी जो है वो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है अब ये फेरेंगस और ओपरक्यूलर कैविटी इन ये जो मसल्स होते हैं ये सारा के सारे इस पोर्शन को कंट्रोल कर देते हैं अब जब बकल चैम्बर एक्सपेंड करेगा यानी कि ये मसल्स जब एक्सपेंड करेंगे ठीक है तो उसके रिजल्ट में यानी कि रिलैक्स करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा जब माउथ ओपन होगा तो बकल चैम्बर एक्सपेंड करेगा ये मसल्स एक्सपेंड करेंगे तो वाटर जो है वो गिल्स की तरफ गिल्स ओवर टू द गिल्स मूव करेगा और वहाँ से जो है वो गैश एक्सचेंज हो जाएगी ठीक है लेकिन इस कंडीशन में जो ओपरक्यूलम है वो क्लोज रहेगा ओपरक्यूलम कहते हैं गिल्स की कवरिंग को जो स्ट्रक्चर गिल को कवर करता है उसको कहते हैं ओपरक्यूलम तो ये जो ओपरक्यूलम एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला ये क्लोज होगा जब बकल चैम्बर एक्सपेंड करेगा ठीक है अब सेकेंड डायग्राम में हम देखते हैं कि माउथ क्लोज हो गया है ठीक है अब इस वाटर ने जिसकी गैस एक्सचेंज हो गया अब इसने बॉडी के आउटसाइड मूव करना है हमने देखा कि गिल्स ओपनिंग्स के थ्रू वाटर बाहर आया था तो अब ये कैसे आएगा कि माउथ क्लोज हो जाएगा और बकल चैम्पर जो है वो ये जो मसल्स इन्वॉल्व हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है कॉन्ट्रैक्शन से हमें पता है कि वो अपनी जगह जो है वो छोड़ देते हैं डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से तो ये जब डिस्प्लेस हो जाएंगे तो ओपरक्यूलम जो है वो ओपरक्यूलम वेल्व ओपन हो जाएगा जब ओपन होगा तो यहाँ पे जो वाटर था जिस जिससे उन्होंने ऑक्सीजन ले ली हुई है गैसियस एक्सचेंज हो गई है वो जो है बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाएगा तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मस्कुलर पंपिंग मैकेनिज्म है ये एक पंप के तौर पे जो है ना वो वर्क करता है बक्कल पंप इसको कहते हैं तो इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये बकल पंपिंग मैकेनिज्म वर्क करता है ये एनर्जी टेकिंग है एक्टिव वेंटिलेशन इसको कहते हैं और इसमें जो रिदमिक जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रही है मसल्स की ठीक है तो ये मोस्टली जो बोनी बोनीफिशीज होती हैं जो कि क्लास ओस्टिक थी से बिलोंग करती हैं दैट शोज द बकल पम्पिंग और द मस्कुलर पम्पिंग मैकेनिज्म नेक्स्ट वन इज द रैम वेंटिलेशन स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम सी क्यूज वाइज ऑल्सो ओके सो दिस टाइप ऑफ एम्स केम इन दी पी एस सी ऑल्सो सो रैम वेंटिलेशन जो है ये पैसिव वेंटिलेशन है ठीक है इसमें जो है वो ऐसे अनर्जी नहीं इन्वॉल्व होती है और ये एक सिंपल मैकेानिज़म है ये मोस्टली जो शार्क्स हैं कार्टिलोजीनस फिश हैं जो एलैसमोब्रैंक्स हैं ओपन ओशन बोनी फिश हैं जैसे ट्यूना ये वो वाली फिशिज़ रैम वेंटिलेशन शो करती हैं ये कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि फिशेस जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली इसमें स्विम करती हैं लेकिन इस कॉन्टीन्यूस स्विमिंग के साथ साथ वो अपना मुंह खुला रखती हैं माउथ ओपन रखती हैं अगर वो माउथ ओपन नहीं रखेंगी तो वाटर जो है ना वो जो है वो रैम वेंटिलेशन ही होगी तो रैम वेंटिलेशन होता ही क्या ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो वाटर के फ्लो को मेनटेन रखती हैं बाय होल्डिंग देयर माउथ ओपन वाई स्विमिंग ठीक है तो ये रैम वेंटिलेशन है अब ये स्ट्रेट लाइन में नियरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाई रेट ऑफ स्पीड के साथ फिशेस मूव करती हैं अपना माउथ ओपन करते हुए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो एक ए, एक ख़ास जो है वो वॉल्यूम में बॉडी के अंदर आए माउथ के अंदर आए और फिर माउथ से वो गिल्स ओवर द गिल्स जो है वो रश करे वहाँ मूव करे और वहाँ पर गैश एक्सचेंज हो तो इस तरीके से जो फिशेस ब्रीद करती हैं दैट इज़ द पैसिवली ब्रीदिंग पैसिवली स्विमिंग पैसिवली ब्रीदिंग और द पैसिवली वेंटिलेशन वाइल्ड स्विमिंग ओके तो इनमें क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है हमने देखा कि जो पम्पिंग मकानिज्म है उसमें मसलस इन्वॉल्व हैं तो इनके अंदर जी कोई भी मस्कुलर पम्पिंग मकानिजम नहीं है पैसि वेंटिलेशन इनमें ओपर्क्युलम लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिले जीनस फिशीज़ होती हैं इनमें ओपरक्योलम एबसेंट होता है ओब्वियसली जब ओपरक्यूलम एबसेंट होगा तो इनमें ओपर्क्यूलर जो मसल्स हैं वो भी एबसेंट होंगे तो दैट्स वाई ये पंपिंग मैकेज़म शो नहीं करेंगे तो ये सिंपल है इसमें क्या होता है कि ओपरक्युलम की बजाय एक इनमें स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं गिल बार्स ठीक है गिल बार्स जिनके एक्सटर्नल साइड पर जो है वो फ्लैप्स होते हैं एक्सटर्नली अब ये फ्लैप्स जब क्लोज होते हैं तो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि सिमिलर होता है ओपरक्युलर कैविटी ठीक है ओपरकुलर कैविटी तो नहीं होता लेकिन ये गिल बार्स के जो फ्लैप्स क्लोज करते हैं ये फ्लैप्स होते हैं और जब ये क्लोज करते हैं तो ये एक दरमियान में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं ठीक है और उस कैविटी जो है वो इट इज़ सिमिलर इन अपीयरेंस एज जस्ट लाइक द ओपरक्युलर कैविटी ऑफ द अदर फिशेस सो दिस इज़ द रैम वेंटिलेशन इट इज़ द पैसिव वेंटिलेशन इट डू नॉट इन्वॉल्व द पंपिंग मैकेनिज्म द पम्पिंग मसल्स एंड इट डोंट हैव एनी ओपरक्यूलम ओके सो ये जो है वो पैसिव वेंटिलेशन है और जो बकल पंपिंग है वो एक्टिव वेंटिलेशन है तो ये डिफरेंस हो गया बकल पंपिंग का और रैम वेंटिलेशन का स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू